अस्सलाम वालेकुम। तो की हलचल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं हूँ टाइसन और आप देख रहे हैं टाइसन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। ये यार पीएम, आप सबको बता के पीएम से क्वालिफायर्स हो रहे हैं वो साउथ एशिया के। तो सीन यही है पीएमसी हुसैन का मैच, या पहले तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि इतने ज्यादा इस बार हैकर्स हैं, बहुत ज्यादा, और इतना कंपटीशन हो गया। ऊपर से पहले तो टॉप 16 टीम्स जानी है, ऊपर से सिर्फ हैकर्स ही हैकर। मुझे लगता है इस बार सिर्फ कंपटीशन हैकर्स के अंदर ही होना, और बुकाया कोई सीन नहीं कर यार। एक एक मैच में 35-40 किल्स कर रहे हैं, 39 किल्स कर रहे हैं सामने सिक्योरिटी के साथ, तो दो दो मैच में 80-80 की लीड बना रहे हैं। तो कैसे कोई चांग कर सकता है इतने ज्यादा किल्स में सारा सीन कर। तो बहुत हार्ड कंपटीशन, तकरीबन ऑलमोस्ट 253 है जो टॉप पे बैठा है, फिर सबसे नीचे आते आते 220 करीब, 35 पॉइंट्स के अंदर अंदर 16 टीम्स हैं। और 16 टीम पता नहीं क्या खा के आती हैं, किस तरह बंदे मारते हैं। हमें तो पहले यार बंदे नहीं मिलते, होल्ड ड्रॉप खाली करो तो बंदा ही खत्म हो जाता है। 40-45 किलो भी आती है तो नीचे होता है, तो एक आधा स्कार्ड नहीं खाते तो देखते हैं पीछे 15-16 बंदे रह जाते हैं। तो यार हमें भी बताओ ना कैसे बंदे मारने आज हम। मैं आपको बताऊंगा कि यार लोबी में 30-40 केस किस तरह से कर सकते हैं, इजी हर कोई कर सकता है यार, टेंशन ही नहीं। सबसे पहले आपने उतर ना गन पकड़ी, गन पकड़े बंदे मांझने शुरू कर देने, यार ये पता नहीं क्या हुआ भाई, बच गए थे मेरे से, वो ट्राई की मैंने, लेकिन चलो किस्मत अच्छी थी। लेकिन मैंने कहा चलो भाई जी नहीं, इस बार 35-40 किल करने, 44 की लोबी है, 35-40 बंदे मार, ये अल्हम्दुलिल्लाह से मारा, पहला किल हो गया यार। बस आप देखी जो आपका भाई किल करता कितने आज। तो सीन ये था यार, हमारा एक बंदा ऑफलाइन था, 3 मैन थे, वो भी ऊपर ही था। तो यार इस मैच में भी हमें हैकर मिलता, मैं आगे आके आगे जाके आपको दिखा देता हूँ उसका पीओवी भी। तो पहले तो मुझे लगा नहीं हैकर नहीं, लेकिन एंड तक जब उसे चिकन डिनर निकाला भाई जब भूल ही जाओ उसने क्या क्या बंदे पेले हैं। और मैं भी कहूँ ऐसे कैसे यार 30-30-40-40 किल हो रहे हैं, ऐसे किल्स हो रहे हैं लेजिट तरीके से, तो बहुत मुश्किल है कि इस तरह से कोई किल करे। लेकिन सारा सीन यही है यार, हैकर्स आके पूरा साल ग्राइंड करते हैं, एंड में जाके ये सीन हो जाता है हमारे साथ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पड़ी होती हैं। और यार उन्होंने जीएससी टूर का भी कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान मैनेजमेंट जो ईस्पोर्ट मैनेजमेंट पता नहीं क्या बेच के सोरी सारे ऐप पर पैसे लगाए, कुछ नहीं। पिछले साल भी हमने खेला था, पिछले साल भी इतने हैकर्स हैं, इस साल भी बहुत ज्यादा हैकर्स हैं, पता नहीं क्या करना यार पबजी वाले, पूरा साल वेट करते हुए एंड पे जाके ये हमारे साथ सीन हो जाता, सारे जो हमने सोचा होता सारी चीजें वगैरह बर्बाद हो जाती हैं यार, सारे ड्रीम्स एक हिसाब से पूरे होते हैं। पहले कम है पाकिस्तान में, इसलिए तो ये गेमिंग कम्युनिटी इतनी नहीं ग्रो हो रही स्पोर्ट की, सारा सीन होता है हैकर्स आगे हो जाते हैं, एंड पे जाके जब जाते हैं तो वो सारे क्या रहते हैं पीएमसी और पीएमपीएल में, यार भाई जादूगर आ गए, जादूगर आ गए यार। पहले क्वालिफायर्स में हमें मौका दिया जाएगा जो अंडररेटेड प्लेयर है, देन ही जाके आगे कुछ करेंगे ना यार। देखो सबसे पहले तो ये बेब साहब हो गए हेड मरे हैं उसे बूट कैंप की मेन बिल्डिंग पे यार, 2-3 बुलेट्स में इसने बंदे ने टोसिक साहब ने हमें डाउन कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये तो था पहला हैकर, अभी मैं आपको इसका पीओवी भी दिखाऊंगा। ये माफिया रह गया था हमारा, ये भी इधर डाउन हो जाएगा बंदों पे, क्योंकि इसके बाद पूरे 4 बंदों ने रश कर देते हैं। मैं आगे आपके दिखाता हूँ सारा, ये देख सकते हैं यहाँ तो हम डेड वगैरह सीन हो गए थे। मैं रिकॉर्डिंग, ये वो स्कार था जिसने माफिया को मारा था, ये वो स्कार नहीं था जिसने हमें मारा था, हमें तो बूट कैंप से भरी थी ना, तो मैं पहले ना इनको स्पेक्टेट कर रहा था कि क्या सीन है, कि कोई हैकर वगैरह सीन। इस भाई के थे 5 किल थे, एक बंदे के एक किल था, तकरीबन 6-7 किल थे, ठीक है हो जाते हैं। लेकिन 3 स्कॉड आए थे, चलो किल निकाल निकल आते, बेका भी किल इन्होंने ले लिया, मेरा किल भी इन्होंने ले लिया था। तो यार सीन यही है कि बताना था यही है कि हैकर्स आए होते हैं, तो उस वक्त इतने इतने किल 30-35 किल कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन आसमान पे पहुंचाया होता, जब हमारी बारी आती है तो कोई सीन वगैरह भी नहीं होता। मैं पहले मुझे शक पड़ा था ये हैक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई सीन नहीं था, ये तो लिजिट खेल रहे थे, ये भी 1v4 होंगे हैकर से। आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यार इस बार ना दिल टूट गया, इस बार जितने हैकर से ऊपर से यार सबसे ज्यादा दिल टूटा था उस न्यूज पे कि सिर्फ 16 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, सिर्फ 16 टीम्स में यार क्या यार हैकर कहाँ आएंगे, हम कहाँ छोटे मोटे प्लेयर्स आ सकते हैं।
बहुत ज्यादा हार्ड कंपटीशन किया, और समझ नहीं आ रही यार क्या करना। पूरा पूरा साल इंतजार करते हैं भाई, पीएमसीओ आ रहा है, पीएमसीओ आ रहा है, एंड पे जाके ये पीएमसीओ का आपके सामने हो रहा होता, समझ नहीं आ रही होती यार। यार इतना ज्यादा फिर भी अगर हम एक आधा कार्ड वाइप करते हैं एंड पे जाके हैकर ने मार, ऊपर से यार लोबी देखो ना, 44 की लोबी 18 लोबी इधर आई है, अभी उन्होंने 6 किल किए हैं, 6 किल करके आगे 17 की लोबी में कहाँ कितने किल निकाले। अच्छा है हम इनको मारते इस कार्ड को, हमें भी 4 किल मिलने थे बाद। तो यार हैकर साहब तो इतने उनको पता होता है कहाँ कहाँ बंदी, देखो ऐसे लग रहा है जैसे ऑटो में चला रहे जो बंदे, मैंने भी रिपोर्ट किया था, पता नहीं क्या सीन है इसका। तो ये तो नहीं पता इसका कंफर्म नहीं है ये हैकर है कि नहीं है, जो जो ये बंदे पे रहा था, लेकिन इसका माशाल्लाह क्रोसियर हैवी था। आगे जाके अब हैवी वाला जादूगर आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। अब ये जादूगर आएगा इनके ऊपर करेगा 1v4 4 4 4। यार क्या गजब गजब के हैक लगाए होते हैं, ऑटो एम क्या, ESP क्या, सारे सारे हैक लगा के खेल रहे होते हैं। और यार इनको तो तकरीबन 200 200 300 300 रेडियस में बंदा नजर आता है भाई, बंदा पीक करने लगा उसी टाइम फ्री फायर दे के बंदा गया खत्म डेड। मैं फिलहाल इनको भी रिपोर्ट कर दिया क्योंकि मुझे इनके ऊपर शक हो रहा था, मैं कोई ऐसा वगैरह सीन ना हो जाए तो मैं कर, मैं कहा अगर बैन हैकर होंगे तो बैन हो जाएंगे। यार हम यही कर सकते हैं, हैकर को बैन ही कर सकते क्योंकि चांसेस तो ना होने के बराबर हैं कि पीएमसीओ ग्रुप स्टेजेस में जाओ। यार इससे चाहिए लैन इवेंट करवा रहे तो पता भी लगता क्या सीन है क्या नहीं सीन है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी ना स्पोर्ट की घोड़े बेच के सोरी होती है। अभी देखो ये भाई साहब ने सोरी ये जो है ना इसने किया 1v4 भाई साहब, देखो 3 बंदे डाउन कर दिए, उनका ये वाला बंदा भी ले लिया, चेक करो 1v4 बोल दी पब्लिक। ये भाई साहब ये हैकर है, मैं आपको इसका POV लास्ट तक दिखाता हूँ भाई ने चिकन डिनर निकाला भाई, चेक करना इसका एम। पहली बात तो नो रिकॉइल है, फुल एम वाला इसका सीन है, ESP इसने टपाटप लगाया हुआ है, एम बोर्ड इसने लगाया, हेड टू हेड बुलेट्स कनेक्ट होती है, तीनों की KD 9 9 6.5 7 8 की KD देखना जरा, ऐसे उसी हाँ इसी को स्पेक्टेट करूँ ऐसे पता ये देखना जरा, इसने स्कोप ओपन किया ऐसे पता सामने बंदा है, चेक करो भाई साहब पहले चेक करो। चलो ठीक है अगर इधर भी नहीं किया ना आगे जाओ कंप्लीट देखो वीडियो देखो देखो ये करता क्या सीन है ऊपर से यार इसकी तो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या इसने लगाया हुआ है अपनी M4 के स्कोप ही नहीं पूरा है, ऊपर से लेजर लगाई हुई है भाई जी, देखो ये तो 1v2 ये भी कर जाता है, ठीक हो गया पीछे पीछे ये देखना था आ ये बोलती पब्लिक। चलो कोई मसला नहीं है, देखो इससे बस हीलिंग करना था, ये बंदे देखता पेलता 5 बंदे रह गए ऊपर जाए, ये भी देखो ना लोबी कितनी जल्दी खत्म हो रही है, 10 किल इसके हैं। चलो खैर देखो इसको पता लग गया भाई जी पीछे बंदा जाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, जल्दी जल्दी उसे पकड़ लो नहीं तो हमें मैच लंबा खेलना हो, पर 7 8 मिनट ये देखो चेक करो। ओहो यार मिस हो कोई होता है हैकर से यार है गलती हो जाती है हैकर से, अये फूल से पता लग गया दलके पीछे मार करके बंदों को बता रहा भाई जी वहां से फ्लैंक करो यहाँ बंदा ही बंदा है, 3v2 सिचुएशन थी एंड पे, देखो उसे मारिए लेकिन लेट के हिल गया उसे पता यार कौन सा पुश कर रहा है, मैं देख रहा हूँ एक ऊपर पहाड़ी पे बंदा है, इससे पहले पता लग गया ऊपर पहाड़ी पे बंदा है, देखना जरा इसने इस वाले को डैमेज दिया लेकिन दूसरे ने इसे नॉक कर दिया इसका टीममेट ने। यार बताना ये सीन है कि यार बहुत मुश्किल है यार भाई जी क्वालिफाई होना, ये देखो तो यहाँ हो जाता है इनका चिकन विनर विनर चिकन। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो, क्या कर सकते हैं।